नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोलस्काई में आपका स्वागत है। गुप्त नवरात्रि में मनचाही सफलता के लिए खास पूजा की जाती है। तंत्र शास्त्र के मुताबिक गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा का फल भी ज्यादा मिलता है। मान्यता के अनुसार कुछ विशेष उपायों को ध्यान में रखकर अगर देवी माँ की पूजा की जाए तो वो प्रसन्न होकर अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिव और माँ पार्वती पर दूध अभिषेक करें और पंचोपचार, पुष्प चंदन, धूप दीप और नैवेद्य से उनकी पूजा करें। अब मौली से भोलेनाथ और माँ पार्वती के मध्य गठबंधन करें। इसके बाद वहाँ बैठकर इस मंत्र का 108 बार जाप करें। हे गौरी शंकरार्धांगिनी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लाभम। अगले 3 महीने तक शिव मंदिर जाकर या अपने घर के पूजा कक्ष में ही पार्वती के सामने पंचोपचार पूजा के साथ इस मंत्र का 108 बार जप करें। शीघ्र विवाह के योग के लिए गुप्त नवरात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल में रखें और हर दिन उनकी आराधना करने के पश्चात मंत्र का 3, 5 या 10 माला जप करें। जाप खत्म होने के बाद भगवान शिव से विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। ओम शं शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय चापतिम मे देही कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जप करने से आपके विवाह में आ रही अड़चने दूर हो जाएंगी।